वबा की शक्ल में हों, उनके तीन असबाब हो सकते हैं। या तो ये अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों पर अल्लाह की आजमाइश होती है, या गुनाहगारों को जिन छोड़ने के लिए आती है, या मुजरमों के पर अल्लाह तबारक व ताला के अजाब का कोड़ा बन के आती है। हजरात ग्रामी कदर, हम में से अक्सर लोग दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि अल्लाह की ज़ात पे ईमान तो है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के पर ईमान तो है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है आमाल की क्वालिटी का तो बदअमली अपनी पूरी इंतहा के ऊपर है। सूद खाने वाले हम हैं, नाच गाने देखने वाले हम हैं, वरासत के माल को हड़प करने वाले हम हैं, वालिदैन की बेअदबी करने वाले हम हैं, बीवी का इस्तेहसाल करने वाले हम हैं, भाइयों के साथ उलझने वाले हम हैं, हसद करने वाले हम हैं, बदनजरी करने वाले हम हैं, झूठ बोलने वाले हम हैं, शादी ब्याह के अंदर जहेज की लानत के अंदर मुलव्वस हम हैं। हजरात ग्रामी कदर, कौन कौन सी बुराई है जो आज हमारी कौम के अंदर मौजूद नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाने से कबल एक छोटी सी बात कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से भी कर देना चाहता हूँ। ये वबाएँ जितनी भी आ रही हैं, दर हकीकत हमें झंझोड़ने के लिए आ रही हैं कि अभी भी इंसान बन जाओ, अभी भी मुसलमान बन जाओ। हजरात ग्रामी कदर, मैं तिब्बी इलाज का हरगिज़ मुहालिफ नहीं। आपको पहले भी पता है मैंने कहा एलोपैथिक का इलाज करवाना चाहते हैं करवाएं, होम्योपैथिक का इलाज करवाना चाहते हैं करवाएं, हिकमत का इलाज करवाना चाहते हैं करवाएं, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो रूहानी असबाब से मुकम्मल दस्तबरदारी का रास्ता आपने तैयार किया हुआ है, इस तरीके से वबाएँ दूर नहीं हुआ करती, इस तरीके से ये मुश्किल दूर नहीं हुआ करती। अगर आप चाहते हैं करोना से निजात हासिल हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इज्तिमाई इस्तिगफार की ज़रूरत है, तोबा को तलब करने की ज़रूरत है, तकवार लिल्लाहियत को इख्तियार करने की ज़रूरत है, तवक्कल और इनाबत इल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व ताला से गिड़गड़ा कर दुआएँ मांगने की ज़रूरत है, उसका जिक्र अस्कार करने की ज़रूरत है, अपने अकायद और मामलात की इसलाह करने की ज़रूरत है। अगर हम ये काम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला करोना की शोबा को दूर कर देगा। हजरात ग्रामी कदर, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की वबा अपने पूरे उरूज के ऊपर है, लेकिन आप एक बात के ऊपर हैरान होंगे कि हिंदू सिपाही मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर खड़े होकर लाउड स्पीकर के ऊपर ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमानों तरावी के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे देश से इस वबा को दूर कर दे। हजरात ग्रामी कदर, हिंदुस्तानी पुलिस मैन को तो इस बात का इलम है कि अल्लाह तबारक व ताला काफ़ी व शाफ़ी है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मदीना की रियासत के मॉडल के ऊपर अपने मुल्क को तब्दील करने वालों को अभी भी अल्लाह तबारक व ताला की ताईद नुसरत के ऊपर यकीन नहीं है, अभी भी शकूक हैं, अभी भी शुबहात हैं, अभी भी ये एहसास है कि शायद ये वबा इत्तेफाक से आई है। हजरात ग्रामी कदर, दुनिया के अंदर इत्तेफाक से कोई भी वबा नहीं आती, जो कुछ भी होता है अल्लाह तबारक व ताला के अमर से होता है। हजरात ग्रामी कदर, वायरस के ऊपर भी हुक्म अगर चलता है मालिक कायनात का चलता है, बैक्टीरिया के ऊपर भी हुक्म अगर चलता है मालिक कायनात का चलता है। हजरात ग्रामी कदर, जो परवरदिगार आलम जिस दौर के अंदर हिस्सी एतबार से चीज़ों को महसूस करने वाले लोग थे, अल्लाह ने जुओं का अजाब दिया, मेंढकों का अजाब दिया, टिड्डियों का अजाब दिया, जब माइक्रोबायोलॉजी अपने पूरे उरूज के ऊपर पहुँच गई तो फिर बैक्टीरिया की शक्ल में, वायरस की शक्ल में, अनदेखी वबाओं की शक्ल में हमारे ऊपर जो है मुख्तलिफ तरह की आजमाइश और अजाबों को मुसल्लत किया गया। हजरात ग्रामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। पना आज भी उसी के पास है, शिफा आज भी उसी के पास है, आफियत आज भी उसी के पास है, तंदरुस्ती आज भी उसी के पास है, अमन आज भी उसी के पास है, सुकून आज भी उसी के पास है, शेल्टर आज भी उसी के पास है। हजरात ग्रामी कदर, चुनाचे हमें अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आगे गिड़गड़ा के दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला इस वबा को पूरा मन इंसानियत से भी दूर फरमा दे और मुसलमान उम्मत से भी दूर फरमा दे। और हजरात ग्रामी कदर, हमारे गुनाहों की बजाय, हमारे गुनाहों पर नज़र करने की बजाय अपनी रहमत को हमारे शामिल हाल फरमा दे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला
इस उम्मत को और पूरा मन इंसानियत को दुआओं की वजह से, इस्तिग़फ़ार की वजह से, मुनाजात की वजह से, इल्तजाओं की वजह से, गिड़गड़ाने की वजह से इस परेशानी को दूर कर देगा। जो परवरदिगार आलम तनों वजनी गार के पत्थर को दूर कर सकता है, क्या वो मामूली से कोरोना को दूर नहीं कर सकता? हजरात ग्रामी कदर एक आखिरी मिसाल दे के बाद की तरफ आऊँगा। जिन्नात में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि आसमान तक जस्त लगाते हैं और आसमान के सुराहों के अंदर से बातों को सुनकर ज़मीन के ऊपर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जब वह इंसानी जिस्म के अंदर कभी दाखिल हो जाते हैं तो इंसान को फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, इंसान खपती हो जाता है। हजरत ग्रामी कदर इतनी ताकतवर और सरीउल असर महलूक को भी अगर इंसानी जिस्म से कोई चीज़ बाहर निकालती है तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बाहर निकालता है। जिस परवरदिगार आलम के जिक्र से जिन्नात और जादू के असरात खत्म हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से कोरोना के असरात भी उसी से दूर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अकल, शऊर और सही मानों में सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हजरात ग्रामी कदर अल्लाह तआला ने आखिरत का दिन जो है इंसानों के एहतसाब के लिए और उनके माबैन इंसाफ करने के लिए मुकर्रर किया है। दुनिया में जो लोग जुल्म और ज्यादती करते हैं लेकिन उनकी जुल्म और ज्यादती का बदला उनको दुनिया के अंदर नहीं मिलता तो कयामत के दिन उनको अपने जुल्म का बदला देना होगा। दुनिया के अंदर जो अपने हक से महरूम रहा, दुनिया के अंदर उसको उसका हक नहीं मिला तो यौमुद्दीन यानी कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका हक उसको दिलवा देगा। हजरात ग्रामी कदर लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने बाज़ अक़वाम को जिन्होंने जुल्म के अंदर, नाफरमानी के अंदर, इसियान के अंदर, सरकशी के अंदर एक हद को अबूर कर लिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया ही के अंदर उनको तबाहो बर्बाद करके हमारे लिए निशान इबरत बना दिया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में और सरे आली के अंदर कुल मिलाकर 19 बाल सफेद थे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूरह हूद की तिलावत ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। हजरत ग्रामी कदर सोचने की बात यह है कि हजरत रसूलुल्लाह जिनके कल्बे अथर के ऊपर कुरान नाजिल हुआ वो सूरह हूद के मजामीन को किस कदर अपनी तबीयत के ऊपर उतरता हुआ महसूस करते थे। लेकिन आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती न जाने किस जोम के अंदर मुब्तला हैं, न जाने किस भूल के अंदर गुम हुए हुए हैं और ये बात सोचते हैं शायद अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों के बावजूद हमारे ऊपर पकड़ नहीं कर सकता। हजरत ग्रामी कदर अल्लाह तबारक व ताला ने इस बात का जिक्र किया, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों के अंदर और जमीनों के अंदर है। वइन तुबदू मा फी अनफुसिकुम व तुफूहु युहासिबकुम बिहिल्ला, अगर तुम किसी चीज को जाहिर करते हो या छुपाते हो, जो भी गुनाह तुम करते हो अल्लाह तबारक व ताला उसको पूरी तरह उसको जज कर रहा होता है। फिर क्या वजह है कि बाद लोगों पर अल्लाह तबारक व ताला की गिरफ्त आती है और बाद लोग गिरफ्त से बच जाते हैं? तो अल्लाह ताला ने इस बात का बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया, वयग़फिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है पकड़ लेता है और जिसको चाहता है छोड़ देता है। अल्लाह तबारक व ताला के सामने पूरी कायनात जवाब दे है लेकिन वो किसी के सामने जवाब दे नहीं। हजरात ग्रामी कदर बाज़ अक़वाम जो अल्लाह तबारक व ताला के गज़ब का निशाना बनी, उनमें से पहली कौम कौमे नूह है। इस कौम के अंदर ये ऐब था कि ये बुत परस्त थी, वद की, सवा की, यहूस की, यऊब की, नसर की पूजा किया करती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहे लेकिन बस्ती के लोगों में से फकत चंद लोग आपकी दावत के ऊपर ईमान लेके आए। 950 बरस तक सुबह शाम उनको अल्लाह की तबलीग की, अल्लाह की तौहीद की दावत दी और ये अल्फाज खुद अल्लाह ने उनके सूरह नूह में कलमबंद फरमा दिए, इन्नी दऊतु कौमी लैलम व नहारा, मैंने सुबह शाम अपनी कौम को, लोगों को अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी है। लेकिन कौम के लोगों ने बजाय इसके के दावत को कबूल करते, कालू मजनून उन वज़दुजिर, कहने लगे दीवाना है, डांटते थे, उलझते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। 950 बरस के बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये बात कही, इन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन, ए नूह अब तेरी कौम का मजीद कोई आदमी ईमान लेके नहीं आएगा। हजरत ग्रामी का सितम जरीफी की बात यह है कि अपनी अहलिया और अपना एक बेटा भी आपकी दावत के ऊपर यकीन लेके नहीं आया। अल्लाह ताला ने कहा आप एक बहुत बड़ी कश्ती को बनाइए, उस कश्ती को ऊपर जितने जानदारों का
जोड़े जितने जानदार जिंदा हैं उनके एक जोड़े को उस कश्ती में रखिए, और जितने लोग मोमिन हैं उनको उस कश्ती में बढ़ाने बिठाने की तैयारी कीजिए। जब अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा तो फकत वो लोग बचेंगे और वो मखलूक बचेगी जो आपकी कश्ती के अंदर मौजूद होगी। हजरत गिरामी कदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर जब कश्ती को बनाना शुरू किया तो बस्ती के लोग मजाक उड़ाना शुरू हो गए कि कल तक नबूवत किया करता था, आज माज अल्लाह बढ़ाई का काम करना शुरू हो गया है। हजरत गिरामी कदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिस वक्त अपनी कश्ती को मुकम्मल कर चुके होते हैं अपने बेटे को मुहातिब होकर ये बात कहते हैं, ए मेरे बेटे या बुनैयर कम माना वला तकुम मल काफिरीन, हमारी कश्ती के अंदर सवार हो जा, काफिरों में शामिल मत हो। बेटे के जहन के अंदर ये बात थी, क्या कभी खुश्क जमीनों के अंदर भी सैलाब आया करता है? कहने लगा सावीला जबली यासीमुनी मिनल मा, के बाबा कौन से पानी की बात करते हैं, अगर बफर से महाल पानी आ भी गया तो सामने नजर आने वाला ऊंचा पहाड़ में उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे लासिमल यौम मिन अमरिल्लाह इल्ला मर रहीम, ए मेरे बेटे जब अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है तो उससे बचाने वाली कोई जात नहीं होती, इल्ला मर रहीम, सवाए उसकी जात बचती है जिसके ऊपर खुद अल्लाह रहम फरमा दे। ए बेटे कश्ती के ऊपर सवार हो जा। हजरत गिरामी का डायलॉग अभी चल ही रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने सीलाबी धारे को बस्ती में दाखिल किया, आंखों के सामने बेटे को बहा के रख दिया। वह हाल बीना हुमल मऊज फकाना मिनल मुगरकीन, बेटा तूफान की लहरों की नजर हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक बात अर्ज की थी अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मेरे अहले हाना के ऊपर अजाब नहीं आना चाहिए। जहन के किसी न किसी गोशे के अंदर अपने बेटे की मोहब्बत मौजूद थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की इन अबनी मिन नहली व इन वादकल हक व अंता कबुल हाकिमीन, ए अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहले हाना में से है, मेरी आंखों के सामने डूब रहा है, अल्लाह तुझसे बड़ा सच्चे वादे वाला कौन हो सकता है? अल्लाह तबारक व ताला ने उस मौके पर तादीबन ये अल्फाज कहे या नू इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, नू आपका बेटा होने के बावजूद ये आपके अहल में शामिल नहीं। नबी का अहल वो होता है जो उसके नक्शे कदम पे होता है, नबी का अहल वो होता है जो उसके रास्ते के ऊपर होता है, नबी का अहल वो होता है जो उसके मनहज उसके अकीदे के ऊपर होता है। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, ए नू आइंदा के बाद ऐसा सवाल मत कीजिए, उलमा की बजाय ला इल्मों के अंदर शामिल मत होजिए। हजरत गिरामी कदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसे आलम में अल्लाह की बारगाह में आके दुआ मांगी रब्बी इन्नी औज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म वइल्ला तगफिर ली वतरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, ए परवरदिगार आलम तू मुझे माफ कर दे कि मैंने ऐसा सवाल किया जिसका मुझे इल्म नहीं था, जिसके नतीजे की मुझे मारिफत नहीं थी। वइल्ला तगफिर ली वतरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, और अगर आपने माफ न किया रहम न खाया तो मैं हसारा पाने वालों में शामिल हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला जो बड़े ही रहीम और करीम मौला है, जो बड़े ही रऊफ मौला है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौके पे हजरत नूह के ऊपर सलामती का नजूल फरमा दिया, बरकत का नजूल फरमा दिया। हजरत गिरामी कदर इस पूरे के पूरे वाक्य में इबरत है दो एतबार से। एक इबरत का पहलू ये है कि हिदायत अगर किसी के पास है फकत परवरदिगार आलम के पास है। निगाह मर्द मोमिन से तकदीरें नहीं बदलती, बल्कि तकदीर अगर बदलती है तो अल्लाह के अमर से बदलती है, मोमिनों की गिड़गिड़ाहट से बदलती है। और दूसरा इबरत का पहलू यह है कि हजरत नूह ने जो सवाल किया उसके नतीजे का इलम फकत परवरदिगार आलम के पास था। इसका मतलब यह है कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, जमीन व आसमान के अंदर गैब को जानने वाला परवरदिगार आलम के सिवा कोई भी नहीं है। हजरत गिरामी कदर यहां पर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सैलाब के धारे की नजर कर दिया। वहीं पर कौम आद के लोग भी अपने शिर्क की वजह से अल्लाह तबारक व ताला के गजब का निशाना बने, और अल्लाह तबारक व ताला ने आंधियों के जरिए उनको उखाड़ के परे फेंक दिया। कौम आद के लोगों को इस बात के ऊपर घुमंड था, वो ये अल्फाज कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुवा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ने अनदेखी हवाओं को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। हजरत गिरामी कदर ये हवा
जब थमी हुई है तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, हमारे हाथ इसको महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन जब इसी हवा के अंदर तगैयुर आता है, तबद्दुल आता है, ये हवा जिस वक्त अपनी पूरी रफ्तार के ऊपर बढ़ती है तो इंसान के लिए अपने कपड़े संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और कई ऐसे ट्विस्टर आते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को खाकड़े परे फेंक देते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खाड़ के भरे फेंक देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही एक ट्विस्टर को कौमे आग के ऊपर मुसल्लत कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तू दम्मिरु कुल्ल शयइन, तू दम्मिरु कुल्ल शयइन बी अम्री रब्बिहा। उस हवा ने अल्लाह के हुक्म से हर एक चीज को पाए माल करके रख दिया। हजरात गिरामी कदर, कौमे आद के लोग उस आंधी के नतीजे के अंदर किस अंदाज में पड़े थे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कान्नहुम अजाजु नखलिन हाविया, वो जमीन के ऊपर यूं पड़े थे जैसे कटी हुई खजूर के तने पड़े हों। हजरात गिरामी कदर, इसी तरह कौमे समूद के लोग भी अल्लाह के गजब का निशाना बने। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने उनके लिए एक निशानी को दिखलाया, पहाड़ फटा, नाकतुल्ला बिन बाप और बिन माँ के पैदा हुई, बाहर निकल के बच्चा दिया, बिन बाप के बच्चा दिया, पूरी बस्ती के अंदर चरती थी, इतना दूध देती थी कि बस्ती के लोग उसके दूध से सिराब हो जाते थे। लेकिन जालिमों ने इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को कबूल नहीं किया, बल्कि इस हिस्सी मोजज़े के खिलाफ अदावत का इजहार किया, ऊंटनी की कूंचों को काट दिया, उसको शहीद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने चंगहाड़ को उनके ऊपर मुसल्लत किया, जिनसे उनके कलेजे फट गए, जिस्म पारा पारा हो गया। हजरात गिरामी कदर, ये आवाज जो है इसको सुनने की इंसान में इतनी ही सलाहियत है जितनी इंसान के कानों के अंदर सकत है। जब ये आवाज उस हद से बढ़ जाती है फिर इंसानों के वजूद के लिए खतरा बन जाती है, फिर इंसानों के वजूद को फाड़ के रख देती है। हजरात गिरामी कदर, इसी तरह कौमे लूत के लोग जो थे वो भी अल्लाह के गजब का निशाना बने। उनमें कबाहत ये पाई जाती थी कि अपनी अजवाज और बीवियों के रजू करने की बजाय हम जिस परिस्थिति की लानत के अंदर मुब्तला थे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को जिस वक्त अजाब के साथ भेजा तो बस्ती के लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में खूबसूरत नौजवानों को देखकर बुरी नीयत से आपके घर का मुहासरा किया। सैयदना लूत बड़े ही परेशान थे, मेहमानदारी की वजह से, इकराम ज़ैफ की वजह से आपने ऐसे आलम के अंदर बस्ती के लोगों को मुहातिब होके कहा हा उलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम फत्तकुल्लाह वला तुहजूनी फी ज़ईफी अलैसा मिनकुम रजुल रशीद। ओ मेरी मेहमानों के बारे में बुरी नीयत का इजहार करने वालों, ये मेरी बेटियां तुम्हारे निकाह के अंदर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे मेहमानों के बारे में मेरे साथ ज्यादती ना करो, मेरे मेहमानों के बारे में तकवा लिल्लाहियत को इख्तियार करो। बस्ती के लोगों की बेरहमी का आलम क्या था, कहा मालना फी बनाती कमिन हकिन व इन्नकल तालमु मा नुरीद। लूत, तुझे पता है हमें तेरी बेटियों से कोई गर्ज नहीं, और तुझे पता है हम किस गंदी आदत के अंदर, किस गंदी लत के अंदर मुब्तला हैं। हजरत गिरामी कदर, हजरत लूत की जुबान से अल्फाज निकले लऊ अन्ना ली बिकुम कुवतन औ आवी इला रुकन शदीद। हजरत गिरामी कदर, हजरत लूत अलैहिस्सलाम कुव्वत के तलबगार हुए, मजबूत पना के तलबगार हुए। हजरत गिरामी कदर, फरिश्तों ने उनको तसल्ली दी कि लूत हम आम नौजवान नहीं, तेरे रब के भेजे हुए रसूल हैं, तेरे रब के भेजे हुए अजाब के फरिश्ते हैं। इस बस्ती ने अपने जुल्म अदावत और अपनी हद से बड़ी हुई सरकशी के अंदर आज ये मुकाम हासिल कर लिया कि वो अल्लाह ताला के रसूल के बारे के अंदर भी बुरा इरादा करते हैं। चुनाची अल्लाह के हुक्म से कौमे सदूम को उठाया गया, जमीन के ऊपर गिराया गया। हजरात गिरामी कदर, बुलंदियों से जब आसमान से जमीन पर पटा गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर हर मुजरम के सर का निशाना लेकर, वजूद का निशाना लेकर और पूरे के पूरे उसके उसको टारगेट करके उसको पीस कर रख दिया। हजरात गिरामी कदर, कौमे लूत किस्साए परीना बन गई, लेकिन अपने साथ एक सबक भी छोड़ गई। अल्लाह तबारक व तआला जब ये बात कहते हैं, यकीन कीजिए इंसानों के जो गौर और तदब्बुर करने वाला इंसान है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फनजयना हुआहलहू अजमाइन इल्ला मरातहू कानत मिनल गाबिरीन। मैंने सारे के सारे लूत के अहलेहाना को बचा लिया मगर उसकी बीवी को नहीं बचाया। किस लिए नहीं बचाया,
वो पीछे रहने वालों में शामिल थी। हजरत गिरामी कदर, हजरत नूह और लूत की बीवियां जो नबियों के बिस्तरों पे सोने वालियां थीं, जो नबियों के साथ सुबह शाम को बिताने वालियां थीं, जो नबियों के साथ अपनी घड़ियों और लम्हात को गुजारने वालियां थीं, अल्लाह ताला ने उनके अंजाम को सूरह तहरीम में यूं बयान फरमा दिया, कानता तहता बदईनी मिन इबादिना सालिहैनी, वो दो औरतें जो मेरे दो बंदों के ताबे थीं बज़ाहिर दुनियादारी के तबार से, फखानतहुमा फलम युगनी अनहुमा मिनल्लाहि शैया, लेकिन उन्होंने अपने शोहरों के रास्ते को नहीं मानना, मनहज को नहीं मानना, अकीदे को नहीं मानना, उनके बाद उनकी रिफाकत, उनका गुजरा हुआ वक्त उनके किसी काम नहीं आया। जब कयामत का दिन आएगा और बड़े बड़े मुजरमों को जहन्नम की आग के अंदर गिराया जाएगा, उस वक्त ये अल्फाज भी कहे जाएंगे कि लदखुलन नारा मद दाहिलीन, के जहां पर मुजरम आग का ईंधन है तुम भी आग में दाहिल हो जाओ। हजरात गिरामी कदर, इसका मतलब है कयामत के दिन गराबतदारी काम नहीं आएगी, बल्कि काम अगर कोई चीज आएगी तो हकीकत में इंसान का अमले साले काम आएगा। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और सहाबा सारे के सारे जन्नती हैं, इसलिए कि उन्होंने रिफाकत और कराबत के हक को अदा कर दिया। लेकिन जिसने हाशमी कुरैशी और मुतलबी होने के बावजूद सीधे रास्ते को अख्तियार नहीं किया, अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना अनहु मालुहु अमा कसब, और नबी के सगे चचा अबू लहब, जब तक कुरान मजीद का एक भी कारी जिंदा है तेरे पे लानते बरसती रहेंगी। हजरात गिरामी कदरी, सूरत में अल्लाह ताला ने कौम मदियन को पराने वाले अजाब का भी जिक्र किया। कौम मदियन के लोगों को, जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को शहवत की और बेरहमी की बीमारी थी, इन्हें बदध्यानती की बीमारी थी, ना पूरा तोलते थे, ना पूरा मापते थे, ना पूरा देते थे, और जो जिस चीज के बदले पैसे लेते थे उसको कम देते थे। हजरत गिरामी का हदलूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा पूरा तोला करो, पूरा मापा करो। जवाब में पता क्या कहते हैं, सलातु का तामुरु का नतरु का मा याबुदु आबाउना औ अन्नफल फी अम्वालिना मा नशा इन्नकल अंतल हलीमुर रशीद, शुएब तेरी नमाज कितनी अजीब है, ये हमें गैरुल्लाह की पूजा से भी रोकती है और हमारे कारोबारी मामलात में मुदाखलत भी करती है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने इस बात को साबित किया कि वो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते थे, ला दीनियत पे यकीन रखते थे। उनका मतलब ये था कि दीन का तल्लुक मस्जिद से तो होना चाहिए लेकिन बाजार से नहीं होना चाहिए, दीन का तल्लुक इबादत से तो होना चाहिए लेकिन मामलात से नहीं होना चाहिए। हजरत गिरामी कदर, आज का दौर भी फितने का दौर है। लोग कहते हैं दीन की बात मौलवी मस्जिद में कर, सियासत के अंदर क्यों बात करता है, कारोबार में क्यों बात करता है, शादी ब्याह में क्यों बात करता है। हजरत गिरामी कदर, दीन जो है वो पूरी की पूरी जिंदगी पे हावी है, इसमें अकायद भी हैं, इसमें इबादात भी हैं, इसमें मामलात भी हैं। जो मर्द मोमिन होता है उसके जुमला मामलात, चाहे वो इनफरादी हो चाहे वो इज्तिमाई हो, वो अल्लाह ताला के दीन के ताबे होते हैं। उसकी सियासत, उसकी मईशत, उसका कारोबार, उसका लेन देन, उसकी शादी ब्याह, उसका जनाजा, उसका हुलिया, उसका लिबास, सभी कुछ अल्लाह ताला के दीन के ताबे होता है। हजरत शुएब की कौम के लोगों ने अल्फाज कहे कि शुएब तेरी नमाज बड़ी अजीब है और तू हर बात पे हमारी मुहालफत करता रहता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को समझाया, इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्ततातु व मा उरीदु अन उहालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, इन उरीदु इल्ला इस्लाह, कि मैं जिस वक्त तुम्हें किसी चीज से रोकता हूं तुम्हारी मुहालफत के लिए नहीं रोकता, और मैं तो तुम्हारी इस्लाह चाहता हूं। हजरत गिरामी कदर, लेकिन जिस वक्त वो इस्लाह के परमादा ना हुए, अल्लाह ताला ने उनके पर उसी तरह चंगहाड़ को मुसल्लत कर दिया जिस तरह अल्लाह ताला ने कौम समूद के पर चंगहाड़ को मुसल्लत किया था। उनके भेजे कट गए, वजूद फट गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, किस्साए परीना बन गए। हजरत गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फिरौन के डूबने का जिक्र किया, कारून को एक घर के धनसने का जिक्र किया, शद्दाद के बाग के उजड़ने का जिक्र किया। इन तमाम के तमाम वाकयात में इबरत है हमारे लिए कि अल्लाह तबारक व ताला वही है, वही जब्बार है, वही कहार है,
अगर आज उसने इज्तमाई हैसियत से हजरत रसूलुल्लाह की दुआ की वजह से हमारी उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को आफियत दी है और मजमूई तौर पर पूरी उम्मत को किसी एक अजाब का निशाना नहीं बनने दिया, तो हमें भी अल्लाह तबारक व तआला से आफियत का तलबगार होना चाहिए। हजरात ग्रामी कदर आज का दौर किस कदर नाजुक दौर है, आज का दौर किस कदर इबरत अंगेज दौर है कि अंग्रेज के झूठे प्रोपेगंडे और रूहानियत से बेजारी और तौहीद कादर मुतलक के ऊपर अदम तवक्कल की वजह से आज बैतुल्ला शरीफ के अंदर भी इबादत को महदूद किया जा चुका है, आज मस्जिद नबी शरीफ के अंदर भी इबादत को महदूद किया जा चुका है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? मैं अगर सोह तसामा हूं तो ये रोज़े सिया खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। हजरात ग्रामी कदर हम दुआएं तो मांगते हैं, अल्लाह बैतुल्लाह की रौनक को बहाल कर दे, मस्जिद नबी शरीफ की रौनक को बहाल कर दे, लेकिन क्या कभी हमने अपने इनफरादी और इज्तमाही अमाल का जायजा लिया? क्या हमारे अंदर आज कौम लूत की तरह जिनसी बेरहमी नहीं है? क्या हमारे अंदर आज कौम शुएब की तरह कारोबारी बेतदालियां नहीं है? क्या हमारे अंदर कौम नूह, कौम हूद और कौम आद, कौम समूद की तरह क्या हमारे अंदर बद एतकादी नहीं है? आज अगर हम बचे हुए हैं तो अल्लाह ने अगर हमें मोहलत दी है तो हमें इस मोहलत की वजह से अल्लाह के अजाबों से बेनियाज नहीं हो जाना चाहिए। ये कोरोना की वबा और मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें, मईशत का ढलना, मुआशरे में बदमनी का पैदा होना, स्ट्रीट क्राइम का बढ़ना, रेप के वाकयात का होना, दर हकीकत इन तमाम के तमाम वाकयात में हमारे लिए तंबीह है कि अभी भी सुधर जाओ, वगरना अल्लाह तबारक व ताला के अजाब का कोड़ा बड़ा ही शदीद है। इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, यकीन अल्लाह की पकड़ इंतहाई शदीद है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सही मानों में किताब सुन्नत को समझने, दिल में जगह देने, उन पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह कल सूरह यूसुफ और उसके बाद जो एक दो सूरतों के छोटे छोटे मदामीन हैं उनको भी आप हजरात के गोशगुदार किया जाएगा। सूरह यूसुफ तू के अपने अंदर मानी के और मदामीन के एक समंदर को लिए हुए है, इसलिए मैंने आज उसको मुनासिब नहीं समझा कि सूरह हूद के साथ जोड़ के बयान किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सही मानों में किताब व सुन्नत को समझने, उसमें अमल पैरा होने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جتنی بھی پریشانیاں آ چکی ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہمیں گناہوں سے اور سیئات سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہماری روحانی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ نفسیاتی عارضے دور فرما، اے اللہ شیطانی عارضے دور فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اقوام سابقہ کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تقوی طہارت اور للہیت والی زندگی نصیب فرما، اللہ ماضی میں جتنے گناہ ہو چکے اللہ ان گناہوں سے آئندہ کے بعد بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ رمضان کے روزوں کو قبول و منظور فرما، اللہ رمضان کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔